केरल के इडुक्की जिले में भूस्खलन के कारण अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को दो और लोगों के शव मिले हैं। इडुक्की के अधिकारियों ने बताया है कि हादसे के बाद से 16 लोग अभी भी लापता हैं। राजामाला के निकट एनडीआरएफ, अग्निशमन और पुलिस विभाग के कर्मी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। ये लोग 7 अगस्त से लापता हैं। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण राज्य के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। शुक्रवार को भारी बारिश के कारण इडुक्की जिले के राजामलाई में भूस्खलन हुआ। इस दौरान 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और 60 लोग मलबे में दब गए थे। भूस्खलन वाले इस पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादातर टी स्टेट के काम करने वाले श्रमिक रहते हैं। बताया जाता है कि भूस्खलन की यह घटना सुबह के वक्त हुई, जब धरती का एक बड़ा टुकड़ा पहाड़ से कटकर कतारबद्ध घरों पर गिर गया, जिससे घरों में सो रहे लोगों की मौत हो गई। चाय बागान में काम करने वाले ज्यादातर लोग नजदीकी राज्य तमिलनाडु के रहने वाले लोग थे।